सब्सक्राइब करिए श्री होमियो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होमियो के नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे बात करने वाले हैं होम्योपैथिक की वो छोटी मीठी गोलियों के बारे में, जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये छोटी मीठी गोलियाँ क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और इनका यूज क्यों किया जाता है। तो ये छोटी मीठी गोलियां जिन्हें बहुत से लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं साबूदाने, तो ये साबूदाने की गोलियां क्या हैं, क्या वर्क करती हैं, कैसे इन्हें पहचाना जाता है, तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल श्री होमी पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को टैप कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके जब भी मैं इस तरह का कोई भी नया वीडियो लेकर आती हूँ। अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट होकर अपने लिए किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई सजेशन लेना चाह रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन टैप करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं लाइव करूंगी तो आप फिर उसमें मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अपने लिए जरूरी जानकारी ले सकेंगे, अपने लिए वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशंस ले पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात कर रहे थे हम होम्योपैथी के ये छोटे सफेद मीठी मीठी गोलियों के बारे में। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, ये छोटी सफेद मीठी गोलियां क्या होती हैं? इन्हें हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। सभी लोग होम्योपैथिक प्रैक्टिस से जो बिलोंग करते हैं उन्हें इनका नाम पता है। ये छोटी साबूदाने नहीं है, ये है गोलियां जिन्हें आप ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। ये ग्लोब्यूल्स बड़े ही कमाल के और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर्स इनका प्रयोग करते हैं अपने अपने मरीजों को दवाएं देने में। ये जो ग्लोब्यूल्स हैं, ये ग्लोब्यूल्स कई साइज के आते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ इस तरह के। ये वाइट कलर के ग्लोब्यूल्स कई साइज में आते हैं। मेरे पास जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करती हूँ दो साइज के ग्लोब्यूल्स हैं, पर इसके कई साइज आते हैं और इन्हें नंबर से हम पहचानते हैं। मेरे पास तो 30 नंबर के ग्लोब्यूल्स हैं, ये देखिए ये 30 नंबर का ग्लोब्यूल्स है, आई होप आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हो। सो ये है 30 नंबर के ग्लोब्यूल्स। इससे बड़े साइज का जो है ये देखिए ये 40 नंबर का ग्लोब्यूल्स है। इसी तरह नंबरिंग से ग्लोब्यूल्स आते हैं 20, 30, 40, 50, 60, इस तरह से नंबर आपका छोटे से लेके बड़े क्रम में आगे बढ़ता जा रहा है। और ये ग्लोब्यूल्स हम एज अ व्हीकल यूज करते हैं। एज अ व्हीकल यानी किसी भी दवा को देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ये अनमेडिकेटेड होते हैं, यानी इनमें कोई भी दवा अभी नहीं पड़ी हुई है। जब हमें अपने मरीज को दवा देनी होती है तो हम इन ग्लोब्यूल्स में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो हमें पसंद होती है वो दवाइयाँ इसमें मिक्स करके अपने पेशेंट्स को देते हैं। तो ये एज अ व्हीकल बहुत अच्छा वर्क करते हैं पेशेंट्स को देने के लिए, और आप इस तरह से इनमें जो भी दवा आपका मन हो उसे मिक्स करके पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो ग्लोब्यूल्स हैं ये दवा देने के लिए आप यूज करते हैं किस तरह की दवा। होम्योपैथी में ज़्यादातर दवाएं डायल्यूशन में आती हैं, यानी लिक्विड में आती हैं, तो आप इसमें मिक्स करके उन दवाओं को दे सकते हैं। कुछ दवाएं जो टैबलेट्स में आती हैं उन्हें एज इट इज़ देना होता है आपको, टैबलेट फॉर्म में ही आप उसे दे सकते हैं, उसमें कुछ भी अदर चीज़ें मिक्स नहीं की जाती हैं। अच्छा, कहीं कहीं क्लिनिक्स में ऐसा होता है कि पहले से बनी हुई दवाएं रखी रहती हैं, मिक्स नहीं करते हैं, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे मैंने बताया कि इन ग्लोब्यूल्स में आपको दवा मिक्स करके दी जाती है। कुछ क्लिनिक्स में क्या रहता है कि ये ग्लोब्यूल्स ही बने रखे रहते हैं। आई मीन टू से जैसे हम डायल्यूशन परचेज करते हैं, कई जगहों पर क्या होता है कि ये डायरेक्ट जो मेडिसिन है
इसके ग्लोब्यूल्स कंपनी में बनाए जाते हैं, जैसे रस्टॉक्स 30 के ग्लोब्यूल्स मार्केट में मिलते हैं, आर्सेनिक एल्बम 30 के ग्लोब्यूल्स मिल रहे हैं, तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मेडिसिन होती है, उनको एट वंस नहीं बनाते हैं। लेकिन हम लोग जैसे कि आयुर्वेदिक में होता है या इसमें होम्योपैथिक में होता है कि कुछ लोग एट वंस जो मेडिसिन तैयार करनी होती है तुरंत तैयार करते हैं, तो हम भी तुरंत मेडिसिन तैयार करते हैं क्योंकि हम एज सच बहुत बिग क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। कोई हमने यहाँ पे फार्मा कंपनी नहीं खोल रखी है, एक छोटा सा क्लिनिक है, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट को देख के अपनी सुविधा अनुसार दवा बना के रखते हैं ताकि हमारी दवा खराब ना हो, हम तुरंत एडवांस बना के उसको तुरंत डिस्पेंस करते हैं। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो आप होम्योपैथी के इन छोटी गोलियों की मिस्ट्री आई थिंक समझ चुके होंगे। ये ग्लोब्यूल्स हैं, छोटी साबुदाना की गोलियां नहीं, और इन ग्लोब्यूल्स के थ्रू ही दवाइयां दी जाती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये जो दवाई दे रहे हैं ये अलग है और जो लिक्विड में दे रहे हैं ये अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ दवाओं के देने का तरीका अलग है, दवाइयां सेम है। तो आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, ग्लोब्यूल्स में भी और लिक्विड में भी। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। और अगर आप लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 9305024291 पर जाकर। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को टैप कर लें। और फिलहाल मैं डॉक्टर सत्या अब लेना चाह रही हूँ आप लोगों से इजाजत। मिलते हैं इसी तरह के अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।